वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, समीर वानखेड़े आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों पर वहां पर चर्चा होगी दिल्ली एनसीबी मुख्यालय में। वानखेड़े पर जो लगातार आरोपी की छड़ी बरसाई जा रही है, लगातार पॉलिटिशियंस समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली एनसीबी मुख्यालय में, अब इस पर चर्चा होगी। वानखेड़े को लेकर मुंबई से दिल्ली तक अब हलचल तेज हो गई है, अब हड़कंप मच गया है। मुंबई से सारी जानकारी दिल्ली भेज दी गई है, अभी से कुछ ही देर में या फिर हो सकता है कि आज शाम तक दिल्ली के लिए समीर वानखेड़े रवाना हो जाए। आरोपों को लेकर वानखेड़े की जांच भी हो सकती है। जिस हिसाब से इतने ज्यादा आरोप लगाए गए हैं, जिस दिन से आर्यन खान को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उस दिन से लगातार उन पर रोज ना रोज उनके खिलाफ कुछ ना कुछ आरोप लगाए जाते हैं। नवाब मलिक, एनसीपी के नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप इस दौरान लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन आरोपों की अब जांच भी होगी, जो कि लगातार उनके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। लगातार जो उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले तो एक ही गवाह को उन्होंने सारे आरोपों में, सारे केसेस में उन्होंने गवाह बनाया था, फ्लेचर पटेल, इस चीज का खुलासा किया था पहले नवाब मलिक ने। उसके बाद फिर नवाब मलिक ने 25 करोड़ का जो आरोप लगाया है, वसूली का जो आरोप लगाया गया है वो एक अलग, फिर उगाही का आरोप लगाया है। तो तमाम काफी ज्यादा आरोप अब तक समीर वानखेड़े पर लगाए जा चुके हैं। लगातार दो दिन से वानखेड़े पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही एनसीबी ने जो आर्यन केस में जिन्हें गवाह बनाया था, केपी गोस्वामी, उनके बॉडीगार्ड कहे जाने वाले प्रभाकर साहिल ने भी अब वानखेड़े पर 25 करोड़ के डील का, 25 करोड़ के वसूली का आर्यन खान मामले में आरोप लगा दिया है। तो ये मामला अब काफी बढ़ता जा रहा है। अब हो सकता है कि वानखेड़े की भी मुश्किलें इसमें बढ़े। अब एनसीबी हो सकता है कि वानखेड़े के खिलाफ भी इसमें जांच करें, क्योंकि काफी हलफनामे भी अब इनके खिलाफ दायर हो चुके हैं। तो हो सकता है आज शाम तक समीर वानखेड़े दिल्ली के लिए रवाना हो सके।